ओके तो हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत। आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूवी एक्सप्लेनेशन बड़ी शानदार होने वाली है तो एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हमें यहाँ पर सबसे पहले डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी वाइफ ने उसको एक दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद उसको एक होटल में लाया जाता है, जहाँ का एक रूल होता है कि यहाँ पर कोई आदमी सिंगल नहीं रह सकता, और अगर कोई शादी कर लेता है तो उसको स्पेशली एक होटल में रेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ का एक रूल होता है कि इन लोगों को एक 45 डेज़ का एक टाइमलाइन दी जाती है, जिसके दौरान यहाँ पर जितने भी सिंगल लोग हो सकते हैं वे अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी एक आदमी के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते 45 डेज़ तक, तो उसके बाद उन लोगों को उनकी पसंद के एक जानवर में बना दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी स्टोरी की हमारी की आज की थीम। तो आज मैं इसकी जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे जो होटल के मैनेजर्स होते हैं वो डेविड से पूछते हैं कि तुम क्या एनिमल बनना चाहोगे अपनी पसंद से, अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलती है तो। तो डेविड वहाँ पर कहता है कि मुझको एक लॉबस्टर बनना है, क्योंकि दोस्तों उसका ये कहने का कारण ये था कि लॉबस्टर, एक तो उसको ओशंस जो थे पसंद थे जहाँ पर लॉबस्टर्स रहते थे, और दूसरा उसको लॉबस्टर्स में एक चीज़ अच्छी लगती थी कि उनकी जो एज थी वो 100 ईयर्स होती थी। पर दोस्तों, इस होटल में रिलेशनशिप में आने के लिए भी एक चीज़ चाहिए होती थी कि वो थी कॉमननेस। अगर तुम्हें किसी के साथ रिलेशन में आना है तो तुम्हें कॉमन उसमें कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो तुम्हारे अंदर भी है। अब हमें यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें यहाँ का एक रूल और दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो मास्टरबेट नहीं कर सकते, और इसलिए उनको सेक्सुअली तौर पर एक्टिव रहने के लिए जो वहाँ की वेटरेस होती थी वो उन्हें हेल्प करती थी। अब यहाँ हम यहाँ पर डेविड के ब्रदर को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर पहले आया था और उसको यहाँ पर एक डॉग बना दिया गया था। डेविड के ब्रदर को डॉग बनाने का रीज़न ये था कि उसको जो टाइमलाइन दी हुई थी 45 डेज़ की, उसमें वो अपना कोई पार्टनर चूज़ नहीं कर पाया था, इस कारण उसको एक डॉग बना दिया गया था। अब गाइज, यहाँ से जो सीन चेंज होता है और हम लोगों को दो लोग दिखाए जाते हैं, एक का नाम रॉबर्ट होता है और दूसरे का नाम जॉन। ये दोनों ही डेविड से मिलते हैं और उन दोनों के खास ही दोस्ती हो जाती है। ये दोनों आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छी बातें होती हैं इन तीनों के बीच। अब हमें यहाँ पे अगला सीन दिखाया जाता है, इन लोगों के अलावा एक ग्रुप और है इस जंगल में जिसका नाम है लोनर्स ग्रुप, और ये उन लोगों का है जिन लोगों ने उस होटल मालिक से बगावत की थी। अब इस होटल का एक रूल ये है कि अगर सिंगल्स में से कोई भी लोनर्स ग्रुप के किसी भी आदमी को मारेगा तो उसका जो टाइमलाइन था 45 डेज़ का, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा 5 to 10 डेज़ में। गाइज, अब जो है ये सीन जो है वो चेंज होता है और हमको एक पूल का सीन दिखाया जाता है, जो एक होटल का ही एक सीन था, और हम एक लड़की को देखते हैं जिसको एक प्रॉब्लम थी कि उसकी नाक में से पानी निकलता था, जिसके साथ साथ खून भी आता था उसकी नाक से। अब हम देखते हैं कि जो डेविड का दोस्त होता है जॉन, उसको वो लड़की अच्छी आ जाती है और वो सोचता है कि वो उसके साथ ही कपल बन जाए, तो वो भी अपनी नाक में कुछ मार लेता है एक सिमिलैरिटी बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि उसकी उसके साथ कपलिंग हो जाती है, ये दोनों एक वेडिंग अपनी कर लेते हैं होटल में, प्री प्लान वेडिंग इन दोनों की हो जाती है, और जॉन अपनी नाक से खून निकालने के लिए बार बार अपनी नाक में कुछ ना कुछ मारता ही रहता था। अब दोस्तों, इन दोनों की शादी हो जाती है और कई दिन बीत जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो डेविड है वो अभी भी सिंगल है। वो उसे कई दिन बीत चुके हैं पर उसका कोई भी कपल नहीं मिला है अपनी जैसी सिमिलैरिटी जैसा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक हार्टलेस लेडी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही दिल से बहुत ही ज़्यादा कठोर थी, और उसके कठोरपन का हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि साइड में ही एक लड़की छलांग मार के बिल्डिंग से कूद गई थी और उसकी जान चली गई थी, पर उस लड़की का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला कि वो उसके पास जाए। तभी हम देखते हैं कि डेविड को जो वो लड़की है, जो कठोर दिल की हार्टलेस लेडी थी, वो डेविड को पसंद आ जाती है, तो वो उसके पास अप्रोच करने के लिए जाता है, और वो देखता है कि वो हार्टलेस लेडी ऐसा प्रेटेंड कर रही है कि मानो उसके आगे कुछ हुआ ही ना हो। अब ऐसा देखने के बाद डेविड को वो लड़की पसंद आ जाती है और वो उस लड़की के पास जाता है और उसको अप्रोच करता है उसकी कपल होने के लिए कि क्या तुम मेरी कपल बनोगी। तो वो लड़की कहता है कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे जैसा, जिसमें एक चीज़ कॉमन हो, और वो चीज़ कॉमन ये हो सकती है कि वो भी मेरी तरह हार्टलेस हो, उसमें कोई भी दिल ना हो। अब वो लड़की उस आदमी का चेक करने के लिए कि वो हार्टलेस है या नहीं, अब एक पूल में उसके साथ बात ले रही होती है, और तभी वहाँ पर वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। वो उसका टेस्ट ले रही थी पर देखती है कि डेविड को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, और हम देखते हैं कि डेविड जो है इस टेस्ट में पास हो जाता है। दोस्तों, डेविड का टेस्ट लेने के बाद वो लेडी उसे पसंद आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद इन दोनों की शादी होती है और हम देखते हैं कि इनके बीच में एक इंटीमेट सीन होता है। अब जो वो लेडी होती है हार्टलेस लेडी, उसको शक होने लगता है कि डेविड में एक दिल है, वो अभी भी दिल है उसमें, वो हार्टलेस नहीं है। तो वो लेडी उसके ब्रदर को मार देती है और ये टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर दिल है या नहीं। पर जो डेविड है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो रोने लगता है बाथरूम में आके। तब वो लड़की उसको देखती है डेविड को कि वो तो रो रहा है, तब वो डेविड को लेके
होटल की फैकल्टी के पास जाती है और उसे दिखा देती है कि डेविड में अभी दिल है और मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। तब हम देखते हैं कि डेविड उस लेडी को मारकर एक ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाता है जहां पर लोगों को एक जानवर में बदल दिया जाता था और उसकी मदद वहां पर एक लड़की ने की थी जो कि एक लोनर्स ग्रुप की ही मेम्बर थी और वो लोगों को इस होटल से भागने में मदद करती थी छुपने के लिए। हम देखते हैं कि डेविड उस लड़की को एक जानवर बनाकर वहां से भाग निकल आया है और वो लोनर्स ग्रुप के ही एक मेम्बर के साथ जुड़ चुका है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ और मैं अब उस होटल में नहीं रहना चाहता। यहाँ पर दोस्तों डेविड की मुलाकात उस लीडर से होती है, उस ग्रुप के लोनर्स ग्रुप के लीडर से होती है और वो एक लड़की होती है और वो बताती है कि प्यार वार कुछ नहीं है, ये सब एक धोखा है क्योंकि जब हम पर मुसीबत आती है तो लोग अपनी ही जान बचाते हैं बजाय इसके कि वो अपने प्यार की जान बचाएं। यहाँ पर डेविड की मुलाकात एक रेचल नाम के एक लड़की से होती है जो उसमें कम्युनिटी थी, कॉमनिटी थी वो ये थी कि उसको भी डेविड की तरह शॉर्ट साइटेड थी यानी कि उसको भी दूर का नहीं दिखता था। ऐसा सुनने के बाद तो दोस्तों आपको पता ही पड़ गया होगा कि डेविड की और इस लड़की की अब कपल होने वाली है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगे थे, ये दोनों एक दूसरे से बातें करते थे रात में। दोस्तों इस सीन के बाद हम देखते हैं कि डेविड और लोनर्स ग्रुप के लोग होटल में हमला करते हैं और डेविड को हम देखते हैं कि वो जॉन की वाइफ यानी कि अपने दोस्त की वाइफ को ये बता देता है कि उसकी नाक से कोई भी खून नहीं निकलता है, वो सिर्फ तुम्हें शादी करना चाहता था। हम देखते हैं कि लोनर्स ग्रुप के जो लोग थे उसने उस होटल के मैनेजर पर हमला कर दिया था, उसके एक लड़की ने उस मैनेजर पे बंदूक तान दी थी और वो चाहती थी कि वो अब जिंदा ना रहे और ऐसा कुछ भी अब यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, इस होटल में लोगों को जानवर नहीं बनाना चाहिए, ये रूल अब जो इस होटल के रूल हैं वो रूल अब नहीं चलने चाहिए। इस पूरी सीन के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर डेविड और रेचल को आपस में इन दोनों को प्यार हो गया है और इन दोनों में सिमिलैरिटी भी मैंने आपको बता दी कि इनकी दोनों की आई साइट वीक थी। हम देखते हैं कि इन दोनों को आपस में प्यार हो गया और ये दोनों बीच बीच में अपने ग्रुप से हटकर बीच बीच में जाकर जंगलों के बीच में जाकर इंटीमेट भी हुआ करते थे और दोस्तों ये दोनों साइन लैंग्वेजेस में बात करते थे ताकि इनके ग्रुप को पता नहीं पड़े कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि इस ग्रुप का रूल था कि यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आएगा और ना ही कोई यहाँ पर सेक्स करेगा। हम अब देखते हैं ग्रुप की लीडर को जो इन दोनों की डायरी को पकड़ लेती है और उसमें पढ़ लेती है कि यहाँ पर रेचल को रिलेशनशिप है डेविड के साथ और वो इन दोनों को कुछ भी नहीं बताती, इसके बजाय वो रेचल को अपने साथ एक हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ पर वो रेचल को बताती है कि मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाने आई हूँ, पर ऑपरेशन करवाने के बजाय वो रेचल की आंखों को और ख़राब करवा देती है जिसके कारण उसे अब कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही रेचल को ये सब पता पड़ता है कि उसकी आंखें और ख़राब हो चुकी हैं, वो डेविड को ये सब बताती है और ये दोनों उसको यानी कि अपने ग्रुप के लीडर को मारने की कोशिश करते हैं और जैसे ही डेविड को ये चीज़ें पता पड़ती है डेविड उस ग्रुप लीडर को मार देता है एक चाकू से और उसको जंगल में फेंक देता है जिसके कारण वो जंगली कुत्तों का शिकार हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी लगभग एंड तक आ चुकी है क्योंकि अब यहाँ पर ग्रुप के लीडर भी मर चुके हैं और होटल के लोग भी ये सब काम छोड़ चुके हैं। हम देखते हैं कि रेचल और डेविड जो होते हैं वो एक होटल में बैठे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड अपने लिए एक चक्कू मंगाता है जिससे कि वो अपनी आँखों को भी ख़राब कर सके। वो होटल के बाथरूम में जाता है और वो अपने हाथ में उस चाकू को लेकर पॉइंट करता है अपनी आईज की तरफ, पर उसके जो हाथ है वो बहुत कांपते हैं ये काम करने के लिए और यहाँ पर रेचल जो उसका वेट कर रही होती है कि डेविड कब आए। और दोस्तों यहीं पर जो हमारी मूवी है वो एंड हो जाती है इसी ट्विस्ट के साथ कि क्या डेविड भी अपनी आंखों को रेचल के लिए ख़राब करेगा, उसकी तरह ख़राब करेगा। तो दोस्तों हमारी मूवी यहीं पर एंड होती है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।